हेलो फ्रेंड्स, काद्यांस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इजी वाली रेसिपी लेकर के आए हैं। कैरेमल सॉस की रेसिपी है ये, और ये बहुत सारे डेजर्ट्स में यूज़ होती है। तो चलिए इसे अब हम बनाना शुरू कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ली है आधा कप चीनी, आधा कप मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, और बटर हम लेंगे और वनीला एसेंस ले लेंगे। तो सबसे पहले एक हैवी बॉटम का आप पैन ले लें और उसमें चीनी को अच्छे से स्प्रेड कर दें। और ये देखिए, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है, और लो फ्लेम पे हम इस चीनी को बिना हिलाए इसे मेल्ट करेंगे। और ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गई अभी, तो हमें चम्मच से इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है, और ये अपने आप ही मेल्ट होती जाएगी और इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर का आने लग जाएगा। तो ये देखिए, कलर चेंज होने लग गया है। और ये बहुत ही टेस्टी सॉस बनता है। इसे आप अपने केक के डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉस्टिंग वगैरह में, कपकेक्स में, या फिर बहुत सारे ऐसे डेजर्ट्स होते हैं जिसमें आपको कैरेमल सॉस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें फटाफट ही डाल लेंगे बटर, तो कुछ अगर इसमें दाने रह जाए तो उसे आप पहले अच्छी तरह से घुमाते हुए इस चीनी को मेल्ट कर लें। और जब चीनी अच्छी तरह से पूरी तरीके से अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे बटर। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच, नॉर्मल चम्मच जिसे हम राइस खा लेते हैं, उससे मैंने 2 चम्मच बटर लिया है। अमूल का सॉल्टेड बटर है ये, आप अनसॉल्टेड बटर को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जब बटर मेल्ट हो जाएगा तुरंत ही हम इसमें क्रीम डाल देंगे, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है हमें, कम आंच पे ही हम इसे बनाएंगे। और अब फटाफट मिक्स करेंगे। अब हमें कुछ सेकंड के लिए ही इसे चला लेना है, तो जब तक ये बबल सेटल डाउन नहीं हो जाते तब तक हम इसे घुमाते हुए मिला लेंगे। अगर आपको पतला वाला सॉस चाहिए तो आप इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर दें, जैसे ही हम क्रीम डालते हैं गैस का फ्लेम बंद कर दें। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा सॉस चाहिए तो कुछ सेकंड्स के लिए हमें इसे लो फ्लेम पे ही पका लेना है। तो मैं इसे घुमाते हुए देखिए पका रही हूँ, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा गाढ़ा सॉस बना रही हूँ यहाँ पे, इसीलिए लगभग 40 से 50 सेकंड के करीब मैंने इसे चला लिया है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे की हमारी सारी वीडियोज़ आप तक तुरंत ही पहुँचे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा सॉस कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है और इसमें कितनी अच्छी शाइन आई हुई है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा, ये और गाढ़ा होता हुआ जाएगा, तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर लिया है। और बंद करने के बाद में इस कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे, और नीचे उतारने के बाद में भी हम इसे कुछ देर ऐसे ही घुमाते हुए ठंडा करेंगे ताकि इसके ऊपर कोई मलाई वगैरह ना जमे। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी अभी रनिंग कंसिस्टेंसी है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होएगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। और इसे आप फ्रिज में एयरटाइट डब्बे में डाल करके 2 से 3 हफ्ते तक आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं अभी डाल रही हूँ वेनिला एसेंस, तो क्योंकि अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है तो मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स डाले हैं, लगभग 5 से 6 ड्रॉप्स हम इसमें वेनिला एसेंस डाल करके मिक्स कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं सॉस अच्छा गाढ़ा हो गया है अभी। फ्रेंड्स, जब आप इस सॉस को रखेंगे फ्रिज में तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो उसे यूज़ करने से पहले आप या तो कुछ सेकंड माइक्रोवेव करें या फिर गर्म पानी में कंटेनर को कुछ देर के लिए रख दें। तो अभी आप कंसिस्टेंसी देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है अभी हमारे सॉस की। ये देखिए कितना सुंदर सॉस हमारा बना है और बहुत ही टेस्टी बना है।
आप इसे ब्रेड पे लगा करके बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत ही पसंद से शौक से खाएंगे। और मैं इसे टेस्ट करके भी देख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और तो मैं इसे अब कांच की शीशी में डाल करके एयरटाइट डब्बे में फ्रिज में रखूँगी ढक्कन लगा करके, और 2 से 3 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो आप अपने कमेंट्स हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आपकी अगर कोई भी सजेशन हो या फीडबैक हो आप ज़रूर हमारे साथ में लिख करके शेयर कीजिएगा। इसी तरह की आसान सी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।